अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम रिव्यू लेके आए डॉम्स कंपनी के सबसे लेटेस्ट वॉशिंग मशीन का, जो कि 17 के जी साइज़ में आती है। इसमें आप ब्लैंकेट धो सकते हैं, डबल बेड का कंबल धो सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़ धो सकते हैं जो बड़े साइज़ की है। टच पैनल के ये साथ आती है, 17 के लिए साइज़ है। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियाँ और खामियाँ आपके पास लाना होता है ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैनल की, तो आप देख सकते हैं इसमें हमें टच पैनल मिल जाता है, जिसे वन टच कहा जाता है। लेकिन बहुत सारी जो कंपनियाँ वो आपको एनालॉग पैनल देती हैं, आप देख सकते हैं यह एनालॉग पैनल है जिसके बटन के नीचे एक और बटन होता है, लेकिन उसको टच पैनल कहा जाता है। लेकिन जो ये वाला पैनल है यह प्रॉपर टच है, इसको सिर्फ आप वन टच करेंगे। इसके अलावा इसमें ऑप्शन की बात कर लें तो उसमें आपको पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोग्राम की बात कर लें तो प्रोग्राम में आप देख सकते हैं इसमें आपको नॉर्मल का फीचर मिल जाता है, हैवी का और सॉफ्ट का, यानी कि बहुत ज़्यादा कपड़ों के लिए हैवी है और नॉर्मल कपड़ों के लिए नॉर्मल और सॉफ्ट, यानी कि ऐसे कपड़े जो आपने एक दफ़ा पहने हैं या बेबीज़ के कपड़े, उसके लिए सॉफ्ट का ऑप्शन यूज़ होता है। और इसके अलावा फास्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इको का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप ऐसे कपड़े जो मिक्स हों उनके लिए, वूल का बड़े कपड़े के लिए, चाइल्ड का ऑप्शन मिल जाता है बच्चों के कपड़ों के लिए, और इसके अलावा फॉर्म क्लीनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसमें सबसे अहम फीचर आपको टब क्लीन का ऑप्शन मिल जाता है, एयरड्रायर का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो डिले टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसमें चाहते हैं कि अगर आप टाइम लगा के घर से बाहर जाएं और एक घंटे बाद आप घर वापस आएं तो डिले टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। वाटर लेवल की बात कर लें तो वाटर लेवल इसमें आपके अपने हाथ में, आप जितना भी वाटर लेवल लेने जाते हैं, ये इसके स्टेप है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री और स्टेप फोर, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। स्पिन टाइम की बात कर लें तो 3 to 9 मिनट इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा रेंज के ऑप्शन मिल जाता है, रेंज के ऑप्शन की बात कर लें तो 1 to 4 इसकी रेंज की ऑप्शन मिल जाती है। वॉशिंग की बात कर लें तो वॉशिंग 9 to 20 मिनट मिनिमम इसका 9 मिनट है और मैक्सिमम जो है इसका 20 मिनट है। इसके अलावा डॉम्स कंपनी का लोगो मिल जाता है, और इसके अलावा अदर फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट बेबी केयर और डिफरेंट। इसके अलावा इनसाइड की बात कर लें तो आप देख सकते हैं इसके जो इनसाइड है उसका जो टब है वो आपको क्रिस्टल ड्रम में मिल जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो धुलाई है वो बहुत बेहतर होती है। फिल्टर की बात कर लें तो फिल्टर इसमें एक अदद मिल जाता है, जिसको आप प्रेस करके इजिली वॉश करके दोबारा लगा सकते हैं, इसको आप प्रेस करेंगे इजिली ये निकल आएगा। इसके अलावा जितना बड़ा इसका टब है उतना बड़ा ही इसका प्लस्टर है। इसके अलावा इसका आपको डॉम्स कंपनी का ऑफिशियल वारंटी कार्ड मिल जाता है। वारंटी की बात कर लें तो वारंटी इसकी 12 साल मोटर की है और 1 ईयर इसकी पार्ट्स की वारंटी है। इसकी मॉडल की बात करते हैं तो 1775 इसका मॉडल है। इसके अलावा इसमें पाइप मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये टैप में लगेगा, इसका जो दूसरे वाला हिस्सा है इसकी बैक साइड पे वॉशिंग मशीन में लगेगा, इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसके अलावा ड्रेन पाइप की बात करें तो ड्रेन पाइप इसमें इसके साथ आता है, और इसमें जो सबसे स्पेशल फीचर है वो इसमें आपको बैलेंसर मिल जाता है, जो कि तमाम नए वॉशिंग मशीनों में आ रहा है, इम्पोर्टेड वॉशिंग मशीनों में आता है, लोकल वॉशिंग मशीन में नहीं आता। ये बैलेंसर इसमें पता चल जाएगा आपकी जो मशीन है वो बैलेंस में है या नहीं। टब की बात कर लें तो टब इसके 17 kg में आता है, और इसके अलावा हाइड्रोजन डोर मिल जाता है। डोर की बात कर लें तो डोर इसका हाइड्रोजन में आता है, जो कि तमाम नए वॉशिंग मशीनों में आ रहा है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन डोर है। इसके अलावा इसकी बात कर लेते हैं डिटर्जेंट बॉक्स की, तो ये इसका डिटर्जेंट बॉक्स है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में आता है। वारंटी की बात कर लें तो उसकी 10 ईयर मोटर की वारंटी है और 3 ईयर इसकी पैन की वारंटी है, जो कि इसके बिल्कुल टॉप पे आता है, जबकि अदर कोई भी कंपनी आपको पैन की वारंटी नहीं दे रही। इसके अलावा उसकी फ्रंट की बात कर लें तो उसमें फ्रंट में आप देख सकते हैं लो वोल्टेज सीरीज़, अगर आपके घर में 150 या से कम ही वोल्टेज आ रहे हैं ये तब भी काम करेगी। इसके अलावा क्रिस्टल ड्रम मिल जाता है, जो कि कपड़ों को बड़े अच्छे तरीके से वॉश करता है, और एक्सट्रीम प्लस इसके कहा जाता है, यानी कि 1200 RPM है ये, जबकि जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो अपने RPM हिडन में रखती हैं। 40% एनर्जी सेवर है ये। अब बात करें तो इसकी बॉडी की, तो बॉडी आप देख सकते हैं मेटालिक कलर में आती है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि बॉडी को जंग नहीं लगता। इसके अलावा आपको डॉम्स कंपनी का ऑफिशियल नंबर मिल जाते हैं, अगर कोई दुकानदार आपकी बात नहीं सुनता तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके बात आनी है, आप सर्विस बैकअप ले सकते हैं। 3 ईयर्स की पैनल की वारंटी है। साइड बॉडी की बात कर लें तो साइड बॉडी में आपको ग्रिप मिल जाती है, जिससे इजिली आप वॉशिंग मशीन को मूव कर सकते हैं। इसकी बॉटम की बात कर लें तो बॉटम पर आपको 2 फोटोस मिल जाते हैं, जिसमें आप 1 इंच जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन। और इसकी चौकी है, आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आपने वुडन या प्लास्टिक के स्टैंड में रखना है, क्योंकि इसकी जो ड्रेन है वो काफ़ी तेज़ी से पानी डिस्चार्ज करती है, जिससे इसको जंग नहीं लगेगा। बात कर लें तो इसकी बैक साइड की, बात कर लें तो आप देख सकते हैं इसकी जो वॉशिंग पावर है वो सिर्फ 570 वाट है, जिससे आसानी आप UPS से भी चला सकते हैं, बशर्ते जो UPS है वो 1000 वाट का हो। इसके अलावा स्पिनिंग वॉशिंग की बात कर लें, स्पिनिंग वाट की, तो वो 345 वाट है। इसके अलावा ये जो ट्रे मिल जाती है, जो कि उसके बॉटम पर लगती है बिल्कुल, वायर की बात कर लें तो वायर इसकी जो है वो 5 से 6 फुट आती है। इसके अलावा वाटर इनलेट की बात कर लें तो वाटर इनलेट इसमें एक आता है, जिसमें आप ठंडा पानी अटैच कर सकते हैं, जबकि इंपोर्टेड वॉशिंग मशीनों में 2 वाटर इनलेट होती हैं, जिसमें आप गीज़र से भी पानी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1 वाटर इनलेट आता है। तमाम वॉशिंग मशीनों में 1 ही वाटर इनलेट आ रहा है, जो लोकल वॉशिंग मशीन है
बैक साइड की बात कर ले तो बैक साइड भी इसकी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। उसके बिल्कुल बॉटम पे आपको व्हील मिल जाते हैं, जैसे मशीन आप मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो मशीन है ये एक ही जगह पर रहेगी, इसको आप मूव नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, जो इसकी प्राइस है वो भी काफ़ी रिजनेबल है। इसकी जो मार्केट में प्राइस है अब तक जब तक ये वीडियो बन रही है वो 85,000 है। प्राइस की बात कर लें तो प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। और उसके अलावा 1775 इसका मॉडल है, जो कि 17 kg साइज़ में आता है, हाइड्रोजन डोर में आता है और मेटालिक बॉडी में आता है। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। और कीमत की बात कर लें तो कीमत भी काफ़ी रिजनेबल है, जबकि इस कीमत में आपको इस साइज़ में आप किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन लेते हैं तो वो 1+ में चल जाएगी। बात कर लें तो टब इसमें क्रिस्टल स्टन स्टील में मिल जाता है, जो कि नॉन मैग्नेट में आता है। इसके अलावा जितना बड़ा इसका टब है उतना बड़ा ही इसका प्लास्टर है। कीमत की बात करें तो कीमत भी रिजनेबल है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।